नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार कई लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हुए सुना होगा जो कि ट्रेडिंग करते हैं। तो उनमें से कईयों ने आपको कहा होगा कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार की तरह है, जो ऑफकोर्स गलत है। और कई लोगों का ये भी मानना होता है कि स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, यानी आप वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने पैसे का, जो कि फ्यूचर में आपको कुछ रिटर्न देगा। तो क्या स्टॉक मार्केट क्या सट्टा बाजार है, या वो एक इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स है, या जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो एक ऐसा बाजार है, या इससे भी वहां पर कुछ ज़्यादा हो सकता है? तो चलिए जानते हैं आज आसान भाषा में कि वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती है, और आज हम स्पेकुलेटर, इन्वेस्टर, हेजर और आर्बिट्रेजर का मतलब समझेंगे। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। जो हमारे ट्रेडर होते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला स्पेकुलेटर, दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा हेजर और फोर्थ आर्बिट्रेजर। अब ये चारों क्या होते हैं? तो यहाँ पे स्पेकुलेटर वो जो स्पेकुलेशन की एक्टिविटी करे, इन्वेस्टर वो जो इन्वेस्टमेंट की करे, हेजर वो जो हेजिंग करे, और आर्बिट्रेजर वो जो आर्बिट्रेज की एक्टिविटीज करे। अब हमें बेसिकली इन एक्टिविटीज को समझना होगा जो हमने यहाँ पे लिखी है। वन बाय वन हम इन एक्टिविटीज को समझते हैं। सबसे पहले स्पेकुलेशन। क्या होता है स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन होता है एक सट्टा बाजार की तरह, लेकिन उससे कुछ ज्यादा। यहाँ पे आपको लॉस होने की संभावनाएं थोड़ी कम होती है बजाय कि सट्टा मार्केट में। यहाँ आपके पास कुछ ना कुछ जरूर बचता है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसका मीनिंग देखें तो मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम चेंज इन प्राइस और प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी कि जैसे ही प्राइस में कोई चेंज होता है, जैसे ही प्राइस में कोई भी चेंज होता है, तो उससे प्रॉफिट कमाना, चाहे फिर वो बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे आज आपने सोचा कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्राइस बढ़ेगी, और ऐसा सोच करके आपने उसमें पैसा लगाया, और कल आप उस इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो जिसमें आप एक दिन की ट्रेडिंग करते हो। अब एक दिन में अगर आपको लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे? अभी उसको बाई कर लोगे, यानी आप अभी उसको बाई करोगे, और एक दिन बाद अगर आपको लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगी, तो आप उसको अभी बाई करके एक दिन बाद आप उसको सेल कर लोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक दिन की ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो इस तरीके से स्पेकुलेशन वर्क करते हैं। आगे हम देखते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट क्या? कि एक लॉन्ग टर्म में आप उसको पैसा लगा रहे हो, यानी कि लंबे समय अवधि के लिए एक पैसा लगा रहे हो, जिससे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। रिटर्न मतलब आपको कुछ अच्छा खासा लाभ मिले, और वो लाभ किस तरीके से मिल सकता है? वो लाभ मिल सकता है आपका, आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, या आपको एक डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इन्वेस्टमेंट की एक रियल डेफिनेशन, कि कमिट कैपिटल फॉर रिसीविंग सम फाइनेंशियल रिटर्न, यानी कि कैपिटल पूंजी लगाना कुछ फाइनेंशियल रिटर्न के लिए, या फिर ऐसा गुड्स परचेज करना, यानी कि शेयर परचेज करना, जो अभी आपको कोई कंज्यूम नहीं कर रहे हो, लेकिन बाद में आपकी वेल्थ को क्रिएट करेगा। जैसे कई बार आपने घरों में देखा होगा कि आपके मम्मी पापा कई बार गोल्ड को ले आते हैं, मतलब आपके पास जब ज्यादा पैसे हो या कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करने हो, तो वो सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु को खरीद लेते हैं, जिनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम उनको पहनेंगे या हम उन्हें कंज्यूम करेंगे। उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि आगे जाकर के जब गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, हम उन्हें बेच देंगे, एक दो साल बाद जब बढ़ जाएगी तो हम उन्हें बेच देंगे, और एक अच्छा खासा रिटर्न, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है? तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। आगे देखते हैं हेजिंग। हेजिंग क्या चीज है? हेजिंग होता है अपने आप को बचाना। किस चीज से बचाना? आगे जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, आगे जो प्राइस में बढ़ोतरी या कमी आएगी, उससे बचाना। अब इसकी एक अगर डेफिनेशन देखें तो हेजिंग इज एन इन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एडवर्स प्राइस मूवमेंट। एडवर्स प्राइस मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, जो आगे जाकर के शेयर को बेचने वाला है उसके लिए एडवर्स प्राइस मूवमेंट क्या होगा, यानी कि जो गलत चीज क्या होगी कि आगे जाकर के मेरे शेयर का प्राइस घट ना जाए, क्योंकि अगर आगे जाकर के आज के दाम से अगर घट जाता है तो मुझे एक महीने बाद कम पैसा मिलेगा मेरे शेयर का। वहीं अगर आपको आगे जाकर के एक महीने बाद शेयर को बाई करना है, तो आपको ऐसा डर लगेगा कि अगर एक महीने बाद मेरा प्राइस बढ़ गया, जो आज का प्राइस है, तो आपको ये डर लगेगा कि मुझे ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। तो वहां पे हेजिंग टूल काम आते हैं, और कई बार शेयर मार्केट में तो हेजिंग के लिए भी जाना जाता है। अब जो हेजिंग होती है, हम इसे एक और उदाहरण एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आपके पास आपने माल भेजा विदेश के अंदर, मान लीजिए यूएसए में, अब वहां से आपके पास डॉलर आने वाले हैं, ठीक है? लेकिन वो डॉलर एक महीने बाद आएंगे। अब आप क्या करोगे कि आपको एक डर है कि कहीं कल जाकर के इस डॉलर की प्राइस गिर ना जाए,
क्योंकि अगर मान लीजिए अभी 70 है और अगर कल को 69 हो गए तो आपको एक डॉलर के केवल 69 ही मिलेंगे, तो आपको डर है कि कहीं 69 रुपीज पर डॉलर ना हो जाए। अगर बढ़ते हैं तो आपको कोई डर नहीं है। तो उसी से आप हेज करवाने के लिए आप क्या करते हो, आप एक बैंक के पास जाते हो और बैंक के पास जाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं एक महीने बाद आपको इतने डॉलर दूंगा और उसके बदले में आप मुझे आज की रेट में पैसे देना एट द रेट 70। बैंक इसके बदले में कुछ कमीशन चार्ज करता है और यह कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है कि एक महीने के अंदर एक महीने के बाद आप मुझे इतने डॉलर देना और उसके बदले में आपको 70 रुपए के हिसाब से जो है रुपए दे दूंगा, ठीक है। अब इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है शेयर मार्केट में होता है। मान लीजिए आपके पास एक महीने बाद कहीं से शेयर आने वाले हैं, किसी कंपनी के 100 शेयर आने वाले हैं जिनकी अभी प्राइस चल रही है 70 रुपीज। अब अभी तो प्राइस है 70 रुपीज, अब आपको डर है कि कल को ये प्राइस 69 ना हो जाए, तो आपने क्या किया, किसी एक और इन्वेस्टर के पास गए और उसको जाकर के बोला कि भाई मेरे से ये शेयर खरीद लेना एक महीने बाद, ठीक है, मैं अभी आप खरीद लो लेकिन मैं एक महीने बाद डिलीवरी दूंगा और आप पैसे मुझे एक महीने बाद ही दे देना और वो पैसे आप मुझे 70 के हिसाब से देना, ठीक है। अब वो इन्वेस्टर, आप सोच रहे होंगे कि सर वो इन्वेस्टर क्यों खरीदेगा, क्योंकि उसे जैसे इस इन्वेस्टर को लग रहा है कि कल को शेयर प्राइस गिर जाएगी, वैसे ही उस इन्वेस्टर को ये लग रहा हो कि कल को शेयर प्राइस बढ़ गई तो ये भी तो हो सकता है ना 70 का 71, तो इसीलिए वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहेगा अगर वो आना चाहे तो। इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन्हें हम फाइनेंस वर्ल्ड में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनको नाम क्या दिया गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब शेयर मार्केट में हर एक के लिए एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ सकता जिसमें एक स्पेशल की आपके लिए, जैसे हो सकता है इस इंसान को या इस ट्रेडर को मान लीजिए 525 शेयर बेचने हो जबकि इसको 428 शेयर खरीदने हो, तो ऐसे में हर एक के लिए अपना अपना एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाया जा सकता। तो इसीलिए शेयर मार्केट में एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट चलता है जिसमें एक पहले से ही डिटरमाइन शेयर्स की संख्या लिखी हुई रहती है उसके अंदर, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो इनको बोला जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर किसी को भी हेजिंग करनी होती है तो वो क्या करता है कि इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, अगर मान लीजिए अगर उसको फ्यूचर में शेयर्स सेल करने हैं तो वो क्या करेगा, इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेगा, ठीक है। अब अगर कल जाकर के शेयर की प्राइस कम हो जाती है तो इससे क्या होगा कि उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब जो लॉस होगा तो उसको शेयर्स पे तो लॉस हो जाएगा लेकिन जिसको उसने बाय किया है उसको ऊपर उसको प्रॉफिट हो जाएगा। सॉरी बाय नहीं, यहाँ पे सेल लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी उसको सेल करने पड़ेंगे, अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसको सेल करने पड़ेंगे, और जब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा तो यहाँ पे उसको होगा प्रॉफिट और यहाँ पे उसको लॉस होगा, तो ये दोनों यहाँ से सेट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब बात करते हैं आर्बिट्रेज की। आर्बिट्रेज क्या होता है कि एक ऐसा एडवांटेज लेना जो प्राइस का डिफरेंस है बिटवीन टू और मोर मार्केट्स, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक सब्जी मंडी आपके शहर में और वहां पे दो सब्जी मंडियां, एक इस कॉर्नर पे है और एक इस कोने पे है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अभी प्याज के भाव जो है वो चल रहे हैं एट द रेट 70 रुपीज पर केजी और यहाँ पे आपके पास चल रहे हैं 72 रुपीज पर केजी, तो अब आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि एक जनरल इंसान, एक आम आदमी क्या करेगा कि वो यहाँ से 70 में परचेज करेगा और यहाँ पे 72 में सेल कर देगा, यहाँ से 70 में परचेज करेगा और यहाँ पे 72 में सेल कर देगा और उसे मुफ्त का प्रॉफिट मिलेगा 2 रुपए का, ठीक है, उसे कुछ नहीं करना। तो ऐसे में ये जो चीज हुई कि यहाँ से 70 में लेकर के ये जो 72 में बेचना, ये कहलाता है आर्बिट्रेज। हालांकि इंडिया जैसे अच्छे खासे डेवलपिंग कंट्री में ये होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी जो सिचुएशन आ जाती है, जैसे अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में भी दो शेयर मार्केट चलते हैं, NSE और BSE, ठीक है, NSE एंड BSE। तो अगर हम आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस ही कंपेयर करें इन दोनों में, तो आप देखोगे कि ये देखिए, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी BSE की शेयर प्राइस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शेयर प्राइस है, जो कि 1547.70 ये हमारी शेयर प्राइस दी हुई है। और वहीं अगर आप यहाँ पे NSE की शेयर प्राइस देखोगे तो वो आएगी
1546.85। तो आप यहाँ प्राइस डिफरेंस देख सकते हो, आप यहाँ से बाय करोगे और यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, प्राइस डिफरेंस ऑफकोर्स है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पे एक चीज और आपको जो रोक रही है वो है आपके पास ब्रोकर का कमीशन। अगर आप बाई और सेल दोनों करोगे तो आपका यहाँ पर भी कमीशन कटेगा, बाई में भी और आपका सेल में भी कमीशन कटेगा, और इस कमीशन के चक्कर में आपका जो है नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आर्बिट्रेज इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। हालांकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि हो सकता है 1 पैसा या 10 पैसा की सिचुएशन आ जाए, जहाँ पे एक ट्रांजेक्शन पे आप 1 पैसा या 10 पैसा कमा सको, लेकिन उसमें बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है मार्केट का, तो ऐसी सिचुएशन हालांकि आती है लेकिन बहुत कम आती है, तो ऐसे में भी कई लोग इससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो और अगर मैं आगे आपको एक ही चीज बताऊं, तो कभी भी आप अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो तो आप दो चीजों से पैसा कमा सकते हो, पहला रिस्क लेकर के और दूसरा अपना पैसा लगा करके, ठीक है। अपना पैसा लगा करके आप अगर पैसा कमाते हो या एक रिस्क लेकर के, रिस्क क्या कि आप कुछ रिस्क दाव पे लगा रहे हो, ठीक है, कुछ खोना एक चीज आप दाव पे लगा रहे हो, तो ये हो गया रिस्क और एक हो गया आपका पैसा। लेकिन जहां आप ये दोनों चीजें नहीं लगा रहे हो और फिर भी आप पैसा कमा रहे हो तो वो होता है आर्बिट्रेज, क्योंकि आपने कुछ नहीं लगाया फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, ऑफकोर्स आप मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना, बिना कुछ मेहनत किए भी, है ना, तो ऐसे में वो आर्बिट्रेज कहलाता है। तो आज का वीडियो अपना इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।